हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। देवराज इंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इस तपोवन में उन्होंने हमें आपको स्वर्ग के तमाम सुख देने के लिए ही भेजा है। लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सारे सुख नश्वर हैं, आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह से इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता, उसी तरह वहां के सुख और वैभव भी क्षण भंगुर ही होते हैं। पर्वतराज हिमालय की दो चोटियों को आज भी नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंध के सातवें अध्याय में लिखा है कि यहीं पर बहुत समय पहले सतयुग में महात्मा नर और नारायण ने बद्रिकावन के समीप गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्ष की तपस्या की थी। ये दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम के निकट ही है और अब इसका नाम नर और नारायण पर्वत हो गया है। श्री वामन पुराण के छठे अध्याय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से महाराज धर्म को उत्पन्न किया था। और नर नारायण उन्हीं महाराज धर्म के ही पुत्र थे। श्रीमद् देवी भागवत के चौथे स्कंद में भी नर नारायण की तपस्या का वर्णन किया गया है। उनकी 1000 साल की कठोर तपस्या से उनके भीतर अनेकों गोचर और अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा। नारायण की अत्यंत गहरी और कठोर तपस्या के कारण देवलोक में इंद्र का आसन भी डोलने लगा।
अपनी अज्ञानता के कारण इंद्र ने समझा कि नर नारायण स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए ही ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो उसने इंद्र सभा की प्रमुख अफसराओं को बुलाया। और नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग इसी समय धरती पर जाओ, अपने यौवन और सौंदर्य से उनकी कामाग्नि बढ़ाकर तपस्वियों की तपस्या भंग कर दो। जो आज्ञा देव। आप लोग कौन हैं और इस निर्जन और एकांत वन में किस लिए आई हैं? हम इंद्र सभा की अप्सराएं हैं। अप्सराएं? लेकिन हमारे पास तुम्हारे आने का क्या कारण है? देवराज इंद्र आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इस तपोवन में उन्होंने हमें आपको स्वर्ग के तमाम सुख देने के लिए ही भेजा है। अच्छा, तो देवराज अब हमें इस तरह से सुख पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनसे किसने कहा कि हमें स्वर्ग जैसे सुख की इच्छा है? बिना किसी कामना के तो कोई भी तपस्या करने जाता नहीं मुनिवरों। स्वर्ग के सुख के लिए तो सभी प्राणी लालायित रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का जो सुख है वही तो आनंद की परिसीमा है। हे बालिके, इंद्र से जाकर कहना कि स्वर्ग के सारे सुख नश्वर हैं, आज है तो कल नहीं रहेगा। जिस तरह से इंद्र के पद पर सदैव एक इंद्र ही नहीं बैठा रहता,
उसी तरह वहां के सुख और वैभव भी क्षण भंगुर ही होते हैं। हम दोनों जिस आनंद के सहारे यहां बैठे हुए हैं, उसका पता भला इंद्र को लग भी कैसे सकता है? हे तपोधन, मेरे साथ इस समय जितनी भी अप्सराएं हैं, वे सब आपका मनोरंजन करने के लिए ही आई हैं। हमें देवराज का आदेश है कि हम सब आपको आपका मन चाहा आनंद दें। इसलिए हम सब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बालिके, तुम अपने रूप और गुणों पर स्वयं मोहित हो रही हो। अपने नृत्य, अपने गायन और अपने रूप का अभिमान हो रहा है तुम्हें। तो लो, सुंदरी, क्योंकि तुम हमारी जंघा के उरु भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक सुंदर? है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। जो आज्ञा देव। Thank you.
तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्ग लोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें, हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से हमारे तपोवन में आई हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। जब जो आज्ञा देव। पुराणों में उल्लेख है कि यही नर नारायण आगे चलकर द्वापर में श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण यदुवंश में और अर्जुन पांडु के कुल में कुंती के गर्भ से पैदा हुए। इसके पुष्टि स्वयं कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में की है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवच अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म इससे पहले बीत चुके हैं, मुझे उन सब का ज्ञान है परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं।